आज के टाइम पे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं यूट्यूब पर कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक को लेके। मेरी खुद की वीडियो पर एक कॉपीराइट क्लेम आ गया था जो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया क्या है, तो मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया। तो आज मैं बहुत सर्च करने के बाद क्या होता है कॉपीराइट स्ट्राइक और क्या होता है कॉपीराइट क्लेम, इन दोनों से कैसे बचें, क्या करें जो ये हमारे वीडियो पर नहीं आए या कि चैनल पर नहीं आए, जो हमारे मोनेटाइजेशन को इफ़ेक्ट करती है। क्या कॉपीराइट क्लेम हमारे मोनेटाइजेशन को इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता है, इस दोनों से हम कैसे बचें, तो आज की वीडियो में पूरा आपको क्लियर करने वाला हूँ, पूरा कट टू कट बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो स्वागत है आप सबका टेक्निकल अनुपम राजपूत चैनल पे, मेरा नाम है अनुपम सिंह। तो चलिए इस वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोज़ डालूँ तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो हम बात कर रहे हैं कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉपीराइट क्लेम के बारे में बताता हूँ। कॉपीराइट क्लेम आप समझ जाओ, सबसे अच्छा मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर मैं कोई म्यूज़िक रिलीज़ करता हूँ, जैसे कोई ट्यून भी आप मान लो और उस ट्यून को आप अपने वीडियोस पर लगाते हो, तो उससे आपके मोनेटाइजेशन को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगी। उससे क्या होगा, यूट्यूब आपको कॉपीराइट क्लेम दे देगा। कॉपीराइट क्लेम का मतलब आप उस वीडियो पर से अगर आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो गया तो ऑन हो ही जाता है कॉपीराइट क्लेम पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मोनेटाइजेशन को आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कॉपीराइट क्लेम से। अगर वो वीडियो पे आपका कॉपीराइट क्लेम आ गया तो उससे जो आपको अर्निंग होगी वो सीधा मेरे पास आ जाएगी। इससे बचने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो। सपोज़ मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे मैंने ट्यून बनाई तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मुझे बोलो कि सर मैं उस वीडियो पर आपका म्यूज़िक यूज़ किया है, तो उस पर से आपको 50% 50% कर लेते हैं, मतलब कि 50-50 आप आधा रख लो मुझे आधा दे दो, या फिर उस वीडियो को आप डिलीट कर दीजिए, उस ट्यून को यूज़ ही मत कीजिए, या फिर बगल में जो दिख रहा है ये दिखा हुआ तो आप उसे ही नीचे डाल सकते हो अपने वीडियोस पर, तो आपको कॉपीराइट क्लेम कभी नहीं आएगी। कॉपीराइट स्ट्राइक पे क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक हुआ अगर आप किसी दूसरे का वीडियो करते हो, जैसे आप समझ लो टेक्निकल गुरुजी का अगर मैं उनका वीडियोस कॉपी करता हूँ अपने और डालता हूँ अपने चैनल पे, तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद मुझे मेरे मोनेटाइजेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि मेरा मोनेटाइजेशन इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि मेरा मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा, मेरा मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा, तो फिर मुझे नया चैनल बनाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा कि आप खुद की मेहनत दिखाओ। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्री छूट मिलती है कि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, तो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, क्रिएटिविटी दिखाओ यार। क्या दिक्कत है, मोबाइल है, मोबाइल से आप क्रिएटिविटी, मैं खुद मोबाइल से करता हूँ, मेरे पास ना लैपटॉप है ना कुछ है, मैं मोबाइल से एडिटिंग वीडियो शूटिंग सब काम करता हूँ। तो एडिटिंग करके आप यूट्यूब पर अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, खुद की क्रिएटिविटी दिखा के दूसरों को अपने चैनल पर सब्सक्राइब लाओगे खुद अच्छा लगेगा, दूसरे की कॉपी करके आपको कुछ। अगर ये कॉपीराइट क्लेम जो मैंने बोला आपको, वो जो नोटिस आपको यहाँ पर बगल में दिखा था, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो, वो मेरे डिस्क्रिप्शन पे भी है, आप वहाँ पर से भी जाके उसे कॉपी करके अपने वीडियोस के नीचे डाल सकते हो, तो इससे आपके 90% चांस बन जाते हैं कि आपके उस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक की नहीं बात कर रहा, कॉपीराइट क्लेम आपका नहीं आएगा। कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आप दूसरे की कॉपी करते हो तो आपका कॉपीराइट स्ट्राइक जरूर आएगा, उससे अवॉइड करने के लिए आपको खुद की क्रिएटिविटी दिखानी होगी। होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे आप क्लिक कर दीजिएगा कि जब भी मैं ऐसी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।